साहिब उतवा रहा है इस तरह चर्च में आएगा, इसको हम प्रवेश कैसे दे। उसने आकर के दरवाजे पर खड़ा होकर के उसको रोका दरवाजे को। उसने कहा कि तू कहाँ आया? कहा कि मैं चर्च में प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। उसने कहा कि देखो चर्च में प्रवेश करने की कुछ शर्तें हैं, उनको पूरा करके आओ। कहा कि कौन सी शर्तें? तो कहा कि मंदिर में आने के शर्त, चर्च में आने के लिए मनुष्य के मन को पवित्र करना पड़ता है, भावनाओं को परिष्कृत करना पड़ता है। जिस दिन तुम अपने मन को समझ लोगे उस दिन तुम इस चर्च में आओगे, तुम्हारा स्वागत होगा। वह व्यक्ति वापस लौट गया, कभी मंदिर की तरफ हो चर्च की तरफ नहीं आया। 4 महीने बीत गए, 5 महीने बीत गए। पादरी एक रास्ते से गुजर रहा है, देखा कि वो व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठा है। उसकी आंखों में जो परम शांति झलक रही है, उसके चेहरे पर जो प्रशांत एक ये दृश्य दिखाई दे रहा है, ताकि वह कैसे वो उत्कंठावश वो इसकी तरफ नहीं देख रहा है। वो पुजारी वो पादरी मेरे रास्ते से गुजर रहा है। वो पहुंचा उसके पास, कहा कि बंधु तुम इतने दिनों के बाद चर्च आए नहीं कभी? उसने कहा कि वो हो तुम वही पादरी हो ना जिसने मुझे कहा था कि चर्च में आने की कुछ शर्तें हैं? कहा कि हाँ मैं वही हूँ। कहा कि मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जिस दिन तुमने कहा था कि मन को पवित्र कर लो, मन को शांत कर लो और मन को परिष्कृत कर लो और तुम अपने भीतर झांक लो तो तुम बिल्कुल चर्च में आ सकते हो। मैं आया, 6 महीने तक मैंने अभ्यास किया और जिस दिन मैंने अपने को पा लिया चर्च से मैं मुक्त हो गया। उस मंदिर में जाने की मेरी इच्छा नहीं हुई, अब वहाँ जा करके मैं क्या करूँगा? रात्रि में मेरे पास स्वतः ईसा मसीह आए, उन्होंने कहा कि बंधु तुम छटपटाओ मत, तुम रोओ मत, उस चर्च में मैं बहुत जब से चर्च यहाँ पर बना है मैं कोशिश कर रहा हूँ उस चर्च में प्रवेश कर पाऊँ, वो पादरी मुझे प्रवेश नहीं होने दिया। तुम्हारी क्या औकात है, तुम कहाँ जाओगे? मैं समझता हूँ कि जिस मंदिर के अंदर शिव है, जिस मंदिर के अंदर पत्थर है, जिस मंदिर के अंदर भगवान की मूर्तियाँ हैं, स्वाभाविक तरीके से जिस मंदिर में वर्जना होती है उस मंदिर में भगवान को प्रवेश करने से वर्जना पंडित ने कर दिया है। कमल आदि कोई औकात उनके सामने नहीं है, लेकिन मीडिया की शक्ति चाहिए इस देश के अंदर, संघर्ष करने की शक्ति चाहिए, जिसके विषय में परम पूज्य ये बाबा साहब ने कहा कि वो संघर्ष करने की शक्ति। और मैं समझता हूँ कि चाहे पानी के लिए संघर्ष हो, चाहे मंदिर में प्रवेश करने के लिए संघर्ष हो, ये सारे संघर्षों के पीछे का जो संदेश है वो अलग मंदिर बना सकते थे, अलग पोखरे खुदवा सकते थे। उन्होंने इस देश के अंदर अपने हक की लड़ाई लड़ी, हमको मिलना चाहिए। घर में हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं, छोटे बालक में भी कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन होती है। 2 भाइयों के बालक हैं, अपने बालक को कोई पका आम दे दे और भाई के बालक को कोई कच्चा आम दे दे, घर में बंटवारा हो जाता है। देश के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस नहीं हुआ, इसकी लड़ाई उन्होंने लड़ी। बंधुओं मेरी बात तो इतनी कहनी है कि आप जब बातचीत करते हैं 2-3 बातें कहकर मैं समाप्त करता हूँ, क्योंकि समझ करना है मुझे, क्योंकि हमने बातें बहुत की हैं। और मैं समझता हूँ कि संपूर्ण इस विमर्श और इस चर्चा का संदेश पूरे देश में जाएगा। मैं समझता हूँ कि 30 साल से 35 साल से लगातार सेमिनार और सिंपोजियम ले जा रहा हूँ, इस विषय पर 4 दिन का सेमिनार करने की सामर्थ्य और हिम्मत कोई दिखाता नहीं है। टूट जाते हैं लोग, कैसे करेंगे? और करते हैं तो किसी सत्र में 2 लोग बैठते हैं, किसी सत्र में 4 लोग बैठते हैं। 4 दिन से लगातार सभी सत्र पूरा यह पूरा हाल भरा रहा है। और यह है इस बात के लिए, केवल ये यहाँ पर सर्टिफिकेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ सभी बच्चे लिए आए हैं। मैं समझता हूँ कि इस विश्वास में इनकी भागीदारी बहुत बड़ी होने वाली है। लेकिन 2 बात मैं बंधुओं को कहूँगा। पहली बात तो ये, यहाँ पर शिक्षा पर बहुत जोर दी जा रही है। बाबा साहब ने कहा कि कैसी शिक्षा, कौन सी शिक्षा देना चाहते हैं देश के अंदर? इसमें कोई संदेह नहीं कि शिक्षा का महत्व है, लेकिन शिक्षा के साथ ही मनुष्य का शील भी सुधरना चाहिए। शील के बिना शिक्षा का मूल्य 0 है। हमारे देश के अंदर जो शिक्षा हमको दी जा रही है, शील दे रही है, सुशील दे रही है, चरित्र दे रही है, क्या हम किस शिक्षा की बात कर रहे हैं? और उन्होंने कहा कि शिक्षा तो दुधारी तलवार है, उसे हम हत्या भी कर सकते हैं किसी की और किसी की रक्षा भी कर सकते हैं। शिक्षा हत्यारी नहीं होनी चाहिए, शिक्षा सहकारी होनी चाहिए, ये उनके कहने का ये उद्देश्य है, इसको हमको अंगीकार करना चाहिए, इस बात को बंधुओं को ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बाबा साहब ने सब बातों का ध्यान रखा।